हेलो जी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो जी, आज रजत ने बहुत ही बढ़िया मस्त लंच बना के खिलाया मुझे। मैंने दिखाई थी आपको वीडियो, व्हाइट सॉस पास्ता। तो मैंने सोचा मैं भी उसकी पसंद का डिनर बना देती हूँ। तो मैंने बनाई है दाल मखनी, और उसके साथ वो खाता है गार्लिक नान। तो मैं बना रही हूँ दाल मखनी के साथ गार्लिक नान। ये देखिए क्या मस्त बढ़िया हमारी बनी है दाल मखनी। मैंने दाल मखनी की ना रेसिपी डाल रखी है, अगर आप कहोगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो देखिए जी, मस्त हमारी बनी हुई ये दाल मखनी। और नान बनाने के लिए मैंने ये गूंद के रखा मैदा। ये मेरे को कम से कम भी नहीं तो 3 घंटे हो गए मैंने भिगो के रख रखा था। खूब अच्छे तरीके से लोच इसमें आ चुका है। तो इसकी मैं बनाऊंगी नान। तो गार्लिक नान बनाने के लिए ना मैंने ये गार्लिक गार्लिक को बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा सा लिया है धनिया, और थोड़ी सी ली है कलौंजी। ये लगा के मैं बनाऊंगी गार्लिक ये मैंने नान। नान के लिए पेड़ियां बना के रख दी हैं। जितना मैंने मैदा गूंदा था ना, उसमें 6 नान आराम से बन जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको ढक के रख देती हूँ, क्योंकि रजत की चल रही है एक कॉल, और जब उसकी कॉल हो जाएगी तब करेगा जी, ये डिनर। बाजार से मंगाता है ना गार्लिक नान, तो मैं आपको बता दूं, एक गार्लिक नान जो है वो 80-90 रुपीस का आता है। और हमने बनाए हैं 6, तो 6 गार्लिक नान का लगा लीजिए आप, 6 × 54, 540 रुपये के नान हो गए, और 350 रुपये के आसपास आती है दाल मखनी। और इतनी सारी तो होती भी नहीं है हमारी, देखो कितनी सारी बनी है। तो 350 वो बचा लिए जी, हमने कुल मिला के 800-900 रुपये बचा लिए आज, है ना। तो घर में हर चीज़ बनाने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करते करते वो चीज़ अच्छी बनने लग जाती है। तो नान के लिए आटा कैसे लगाएं, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए आप देखिए कि नान बना रही हूँ मैं। तो जी, बस रजत की हो गई मीटिंग ख़त्म। अब दाल मखनी है तो थोड़ा बहुत बटर तो बनता है भाई, दाल मखनी में मक्खन ना हुआ तो फिर कैसे दाल मखनी, है ना। वैसे तो हमने देसी घी से तड़का लगाया था, लेकिन थोड़ा सा शो के लिए डाल देती हूँ ऊपर से, नहीं तो कहेगा मम्मा आपने बटर नहीं डाला, दाल मखनी कैसे बना दिया आपने बिना बटर के, है ना। तो बस बच्चे का शौक देख के थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो अब मैं बनाती हूँ नान। ये देखिए एक पेड़ी मैंने ले ली है, और इसमें मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेलूंगी। ये देखिए जी, बहुत ही बढ़िया सा लोच आया है आटे के अंदर, आटा नहीं, आई मीन मैदा के अंदर। और ये देखिए हल्का सा इसके ऊपर पानी का हाथ लगाऊंगी, ताकि ये जो गार्लिक वगैरह डालू ना मैं इसके ऊपर, ये अच्छे से चिपक जाए। ये लीजिए, और थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर धनिया, और 2-4 डालेंगे कलौंजी के दाने। और ये लगा के ना इसको एक बार बेलन हम ऐसे चला देंगे, जिससे ये सब चीजें जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। बस जी, अब हम इसको उठा लेंगे, और इसके पीछे लगाएंगे पानी, और इसको डालेंगे तवे के ऊपर, और इसको हाथ से थोड़ा सा चिपका देंगे। ये देखिए इसको डाल दिया तवे के ऊपर और थोड़ा सा चिपका दिया, दबा दिया थोड़ा सा इसको। नीचे की तरफ से सिक गई होगी, अब हम इसको उठाएंगे और तवे को उल्टा करके थोड़ा सा इसको बढ़िया सा सेक देंगे।
देखिए जी कितना बढ़िया हमारा नान सिक्के तैयार हुआ है। ये देखिए करारा एकदम दोनों तरफ से, है ना। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। और ये हो गया हमारा गार्लिक बटर नान रेडी। ये देखिए जी बहुत सॉफ्ट बना है, एकदम करारा भी है। तो हम रजत को देके आते हैं खाना और आप एंजॉय कीजिए जी वीडियो। ये आ गई उसकी दाल मखनी, साथ में आ गया गार्लिक नान और आ गई जी सिरके वाली प्याज। वाह जी, जी रजत ने खा लिया है और अब मैं आपको खा के बताती हूँ असली बात कि कैसी बनी है। वो तो कहता अच्छी है, उससे कभी पूछ लो कैसी बनी बेटा, बढ़िया बनी है। अपने डैडी से सीखा है, इसके डैडी भी खाने में ना कभी ऐसे नुक्स निकालते नहीं थे जब तक कि कोई बहुत ही ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए जो बिल्कुल ही ना काबिले बर्दाश्त हो, तभी कुछ कहते थे, वरना हर चीज़ को कहते थे बढ़िया बनी है। तो जी खा के बताते हैं हम आपको। सही में भाई बहुत बढ़िया बना है, नान भी और दाल भी। एक टिप आपको देना चाहूँगी क्योंकि दाल मखनी में जो दोनों ही चीज़ें हैं उड़द की दाल और राजमा, दोनों ही चीज़ें क्या है रखे रखे गाढ़ी हो जाती हैं। तो इसको अगर आपने कभी ऐसा हो जाए कि दाल मखनी बनाए देर हो गई, खाने के बीच में थोड़ा टाइम होता ही है, एकदम तो है नहीं कि अभी हमने कुकर से उतारी और अभी हम खाने बैठ गए, बीच में थोड़ा बहुत टाइम होता ही है तो हो जाती है गाढ़ी। तो कभी भी दाल मखनी को पानी डाल के पतला नहीं करना, इसे हमेशा दूध डाल के पतला करना। पानी डालने से इसका टेस्ट बिगड़ जाता है, दूध डालने से क्या है कि वैसे भी हम इसको पकाते टाइम मलाई वगैरह डालते हैं तो दूध डाल के ये बिल्कुल ठीक रहती है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं खराब होता। ठीक है जी, तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो जी। फिर कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो जी वही इसको लाइक कर दीजिए और कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।